हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में इमरान सर मैथ्स में। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सम्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है आपको चेक करना है। तो देखते हैं, फिर से आपको एक रिवीजन दे देता हूं आपको मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए बी और सी हमेशा रियल नंबर होगा और ध्यान रखना है कि ए विल नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए स्क्वायर टर्म होना जरूरी है। अगर ए का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर तो आंसर जीरो हो जाएगा, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। मीन्स ये है कि ए कभी जीरो नहीं होगा, हाँ बी और सी जीरो हो सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू टू अंडर ब्रैकेट x माइनस थ्री। इसको सॉल्व कर लेते पहले हम लोग। इसमें एक आइडेंटिटी दिख रहा है हमें कि x प्लस वन द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ये मेरा a है ये मेरा b है, इक्वल टू टू मल्टीप्लाई x टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। ये टू एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है इसलिए। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो इस इक्वेशन में स्क्वायर टर्म है, अगर स्क्वायर टर्म है तो ये हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड सम देखते हैं यहां पर हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू और थ्री माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई विथ प्लस थ्री, तो माइनस प्लस माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स टू एक्स। अब लाइक टर्म को सेट करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये प्लस टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखिए आप, हाईएस्ट पावर जो है वो है टू है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यस, आप लिख लेना इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब शुरू करते हैं हम लोग थर्ड सम। थर्ड सम में दिया हुआ है यहां पर एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। आप देख सकते हो ये दो पार्ट में है, आप एक के बाद एक सॉल्व करते रहिए। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरफ से, तो x मल्टीप्लाई x क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स, माइनस प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स टू एक्स, माइनस प्लस माइनस टू वन जा टू, ये सॉल्व हो गया। x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स मल्टीप्लाई थ्री थ्री एक्स, माइनस प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स एक्स, माइनस प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री थ्री, ये हो गया सब। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर है तो आप देख सकते हो, डायरेक्टली कर देता हूँ इसमें मैं कि ये एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आप, ये प्लस एक्स है तो यहाँ पर लिख दिया एक्स
एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा बड़े की साइन माइनस की, तो x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बड़े की साइन प्लस की, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2x माइनस 3। अब देख सकते हो आप माइनस एक्स ये प्लस इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, माइनस टू ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस प्लस तो 3x बड़े की साइन माइनस की, माइनस प्लस माइनस बड़े की साइन प्लस की तो 1 इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो इसका जो डिग्री ऑफ पावर जो है वो है 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? नो। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ सम। फोर्थ सम में दिया हुआ है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। अब उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम लोग। x मल्टीप्लाई टू एक्स क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 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 x मल्टीप्लाई वन एक्स माइनस प्लस माइनस, थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री वन जा थ्री इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब लाइक टर्म को अरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस माइनस होगा बड़े की साइन माइनस की, तो क्या हो जाएगा ये 5x हो जाएगा। इस प्लस को यहाँ लेके आया मैं तो माइनस 5x हो गया, माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब प्लस माइनस माइनस बड़े की साइन प्लस की तो x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 10x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब देखो आप ये 2 आ गया, 2 आ गया मीन्स क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सम्स अगर सॉल्यूशन लेना है आपको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे हम लोग फिफ्थ सम। फिफ्थ सम देखने के लिए मैं रफ कर लेता हूं इसको। मैं फिफ्थ सम में 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। सेम सम है जैसे हमने ये क्वेश्चन में थर्ड किया था हमने, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, लाइक टर्म अरेंज कर लीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो 2x मल्टीप्लाई x क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 3 जा क्या हो गया 6x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई 1 क्या होगा x प्लस 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 5 मल्टीप्लाई x 5x प्लस माइनस माइनस 5 वन जा 5। हम अब काम करेंगे लाइक टर्म को अरेंज कर लेंगे हम लोग, तो 2x स्क्वायर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग उसके बाद अरेंज करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बड़े की साइन प्लस की, तो 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4x माइनस 5। अब हम अरेंज कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बड़े की साइन माइनस की, तो 7 प्लस 4 11x प्लस 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 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो है 2, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखेंगे हम लोग सिक्स सम। सिक्स सम देख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये थोड़ा डिफरेंट है,
सबसे पहले हम इसको एसडीज कॉपी करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर में आया है। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आ लिख सकते हो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस टू टू ज़ा फोर। अब क्या करोगे आप, इसको अरेंज कर लोगे पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े की साइन माइनस की, थ्री में से फोर गया तो एक्स गया, प्लस माइनस माइनस, बड़े की साइन माइनस की, तो फोर माइनस वन कितना होगा, थ्री होगा इक्वल टू ज़ीरो। आप देख सकते हो इसका हाईएस्ट पावर वन है, टू नहीं है, तो ये क्या होगा, नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सेवन सम। सेवन सम में दिया हुआ है एक्स प्लस टू द होल क्यूब टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये होल क्यूब दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला होता है ए क्यूब, लिख लेते हैं यहां सबसे पहले हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते इसको, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर टू एक्स, टू एक्स प्लस टू। अब देख सकते हो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर क्यूब है, तो हो सकता है पूरा सॉल्व करने के बाद क्यूब कैंसिल हो जाए और उसका आंसर राइट आ जाए, तो पूरा सॉल्व करके तो फाइंड करते हैं हम लोग क्या होगा, तो एक्स क्यूब प्लस ये टू का क्यूब क्या होगा, एट होगा, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स, एक्स प्लस टू। इसको एसिड इस कॉपी कर लेते हैं हम लोग, अब एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर टू एक्स क्यूब जो है ये एक्स क्यूब है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, माइनस टू एक्स क्यूब, उसके बाद सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर एक ही है बाकी कोई नहीं है तो अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो, देख के पता चलता है कि ये क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। आप देख सकते हो द हाइएस्ट पावर थ्री है, तो ये क्या होगा, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिखोगे आप नो। अब लास्ट सम जो है वो एट सम, एट सम में दिया हुआ है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू द होल क्यूब। सबसे पहले इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ये ए माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में होगा, तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक्स रख दिए, यहाँ दो टू, यहाँ एक्स टू एक्स माइनस टू। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स।
आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस इधर आएगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो मैं पहले से कैंसिल कर देता हूँ। अब बचा हमारा यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा बड़े के साइन प्लस की, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो है टू, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन लेना हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये मेथड आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।